तन्हाइयों में जीते जीते जिंदगी का मकसद समझ में नहीं आया, और जब पड़ोसी का रिजल्ट देखा तो दिमाग हिल गया। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट था, हर चीज का याद करने का एक ट्रिक था। मैथमेटिक्स कभी वो रटा नहीं, इसीलिए उसका रिजल्ट कभी घटा नहीं। तो मैथमेटिक्स को रटो मत, मैथमेटिक्स को यहाँ और यहाँ उतारो। जिसको मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगी ना, समझो उसका जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ हर एक ट्रिक को किस कैसे उस समझा जाता है, उसको तरीका समझिए। आप रटते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्यों रटते हैं भाई? क्या जरूरत है रटने का? रटिए मत, यहां भी उतारिए, यहां भी उतारिए, तब मजा आएगा। यहां समझिएगा, हम लोग तो बोल देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, इजी वे में याद हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन रहेगा तो किसी में बदल जाएगा कॉस थीटा। कभी आप सोचे हैं कि क्यों होता है ये दोनों, क्यों होता है साइन कॉस में क्यों बदल जाता है? वजह जानना चाहेंगे, पहले हम लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो जब कॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, इसी का पड़ोसी हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि कॉस थीटा कहता है कि जब तुम अकेले था तो तुम्हारे बदले हम खुद से बन गए, लेकिन हम जब भी रहेंगे तो तू भी तो मेरे साथ रहेगा ना। तो यहां देखो ना, रहेगा कैसे? यहां देखो, ये कॉस अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। हुआ कि नहीं? फिर यहां पे दूसरा जोड़े का बात कर रहे हैं, अगर हो जाए टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा टी वाला है तो टी वाला ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा? टेन का होता है कॉट थीटा हो जाएगा। तो जब टेन का कॉट में बदल गया तो कॉट भी कहेगा ना, क्या कहेगा? कि हम भी तो चेंज होंगे ना, तो क्या इधर भी हो जाएगा। तो अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। ट्रिक समझिएगा क्या है। उसके बाद से देखिए, एक होता है कॉसिक, ये भी नाम होता है ना, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा दिया रहे तो बदल जाएगा सेक थीटा में, किसमें से? तो सेक वाला रहेगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो किसमें बदल जाएगा? कॉसेक थीटा में। थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसलिए हो जाए ना, क्योंकि ट्रिक आपको बताना है, समझिएगा ध्यान से कौन सा ट्रिक है। देखिए जादू है ये, देखिए टी वाला टी में बदल जाता है, नहीं समझे? टेन में टी है, कॉट में टी है, तो टेन वाला का उल्टा यानी टी वाला का उल्टा टी वाला, ठीक। और ये देखिए इसमें भी सेक है कॉसेक, और इसमें भी सेक है, तो सेक वाला का उल्टा सेक वाला, कुछ याद हुआ? टी वाला का उल्टा टी वाला। हम बोले कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो सोचिएगा सर बताए थे कॉट, अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा, तो टी वाला टेन में होता है ना, तो बस बात खत्म। फिर बोले तो सेक माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो डायरेक्ट बोलेगा सेक, कॉसेक में भी सेक आता है, सर बोले थे उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? जिसमें सेक दिखे तो कॉसेक में दिखा, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों का तो ट्रिक हो गया, तो तीसरा एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नाम मात्र छः मिलता है। कितना नाम होता है त्रिकोणमिति में? छः नाम होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट। तो देखो टी वाला का टी वाला उल्टा हो जा रहा है, और सेक वाला का सेक वाला, जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा। आपको भी मिलान करना सीखे हैं, मिलान करने में क्या होता है? अगर एक दो तीन लिखा रहा है, ए बी सी लिखा रहा है, अगर आप दो को इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, तो लास्ट वाला बचता है, तो क्या करते हैं? एक दूसरे से मिला देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो यही तो बात है, सेक वाला सेक का उल्टा, सेक कौशेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, सेक रहेगा तो कौशेक हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट टी वाला का उल्टा हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। सिंपल, ये तो हो गया आपका ट्रिक, जो कि आने वाले लेशन में आपको बहुत शानदार तरीका से देखना है। लेकिन उससे पहले साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा ध्यान से। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, समझिएगा। आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, त्रिकोणमिति की प्रेम कहानी याद है ना, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यही होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन में क्या होगा? एक बार कर्ण इसके साथ रहा, इसके साथ भी कर्ण है, और तीसरा कंडीशन में कर्ण हट जाएगा, लंब आधार साथ में होता है, क्योंकि दो बार रह जाएगा तो अच्छा बात नहीं ना है, कितना बार रहेगा, तो लंब आधार। अब सब दो दो बार हो गया, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए? एक त्रिभुज। आप जानते हैं बाबू एक चीज, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180। ये वाला तो 90 हो गया, और 180 बनाने के लिए 90 चाहिए ना, तो बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 90। अगर 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 रखना पड़ेगा, तब 60 और 30 90, और 90 और 90 180, तीनों को मिला के कितना हो जाएगा? 180। हम क्या किए, जब इसमें 30 रखे थे, ठीक, तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? मान लो कि दोनों डब्बा अभी खाली है,
लेकिन दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, 90। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है, ये एंगल ए है और एंगल ये क्या है सी, दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। अगर हमको सी पता चल गया कि कितना है 30 डिग्री, तो ये निकल जाएगा कि नहीं, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये वाला डब्बा बच जाएगा 90 माइनस 30, 90 में से 30 जाएगा हो जाएगा 60, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 60। हम कर क्या रहे हैं, जब एक पता चल गया तो इसमें से 90 में से इसको घटा दे रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर यहाँ थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे थीटा, तो ये निकालने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, 90 में से क्या करना पड़ेगा, इसको घटा रहे हैं तब ना ये निकला था 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का योग 90 होता है तो एक थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में जरूर आया होगा। अब अगर हमको यहां से लिखना हो, समझिए ध्यान से, लिखना हो अगर हमको साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब, ये इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी, ए बी लंब, अब बट्टा में क्या होता है कर्ण होता है, लंब और बट्टा में कर्ण यानी कि ए सी। इतना समझ में आ गया। यहां देखिए ये साइन के लिए निकल गया, यहां कॉस के लिए निकालिए, कॉस के लिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके लिए आधार कौन होगा, आधार होगा ये वाला ए बी, और कर्ण कौन होगा ए सी। ध्यान से देखिए तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, हम साइन थीटा बराबर लिखे तो साइन थीटा बराबर, और थीटा के लिए लंब बटा में कर्ण आया, यानी लंब और कर्ण आया, कॉस थीटा यहां से लिखे, ये वाला भर है, एक बार ये साइन थीटा लिए कॉस थीटा, तो इसके लिए होता है कॉस थीटा आधार बटा कॉस के लिए, देखिए कॉस के लिए सामने वाला लंब होता है ये वाला आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हम लिख दिए। आप बताइए ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा, उसका एंसर अगर बराबर है, समीकरण अगर एक इसको माने दो इसको माने, तो क्या हो जाएगा एक से ये कट जाएगा और ये वाला बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सेम टू सेम प्रूव हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कुछ नहीं होता है, अगर 90 में से घटाते हैं तो वो दोनों सेम ही होता है, तो ये आपको याद रखा, नहीं तो ट्रिक आपको पता ही है, कौशेक सेक वाला का उल्टा सेक वाला, कौशेक का सेक, सेक का कौशेक, उसके बाद से टी वाला का उल्टा टी वाला, ट्रिक तो आपको पता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्रिक आपको शानदार लगा होगा, शानदार लगा हो तो एक बार लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।